उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी दीपक दलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दलीप मुंबई में पत्रकार जेदे की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए एसटीएफ ने दीपक को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर तकरीबन 25,000 का इनाम भी एसटीएफ ने घोषित किया था। आयुष अग्रवाल ने बताया कि सातिर अपराधी मुंबई की अमरावती सेंट्रल जेल से पेरोल पर रिहा होकर हल्द्वानी पहुंचा था। देखिए, 2011 में मुंबई में एक पत्रकार की हत्या की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के द्वारा इसकी हत्या को कारित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पर को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे, और उसको वहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा हुई थी और ये अमरावती में इस सज़ा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस नहीं गया और फरार हो गया था। तो उस संबंध में मुंबई पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो जो कि हल्द्वानी में ट्रांसफ़र हुआ था, और हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से ही, क्योंकि फरार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में, और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हमने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पर फरार चल रहा था, उम्र कैद की सजा इसको ऑलरेडी हो रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ इंडिया।